गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज हमारे शहर के अंदर एक विशाल रोबोट आ गया। देखो वो सामने खड़ा, उसकी साइज तो बिल्डिंग से भी ज्यादा है, यहाँ तक कि प्लेन उससे टकराकर जमीन पर आकर तबाह हो गए। अगर मैंने उसको नहीं रोका तो वो पूरे शहर को तबाह कर देगा। चलो उसको बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करते हैं। यार उसको तो धमाकों से भी कुछ नहीं हो रहा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उसका सामना कैसे करूंगा। देखो कितने सारे चोपर उसको चारों तरफ से घेर लिए। ओ भाई साहब, उसने तो सबको एक साथ खत्म कर दिया। अब तो आप समझ गए होंगे कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। ऐसे तो मैं उसको खत्म नहीं कर पाऊंगा। देखो एक और चोपर आ गया। अबे नहीं ना यार, उसने तो चोपर को भी क्रेश कर दिया। अबे ओए ओए ओए, धत तेरी की। क्यों ना थोड़ा उसके पास चलते हैं। यार पास आने पर तो मैं उसके सामने चींटी लग रहा हूँ। मेरे को कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये एक बार में खत्म हो जाए। पर समझ नहीं आ रहा करना क्या है। अरे वाह, यहाँ पर तो आर्मी भी है। क्यों ना इनके साथ मिलकर उसको मारूं, तभी उसका खात्मा हो सकता है। पर गाइस उसके ऊपर से आखिर ये गिर क्या रहा है। देखो और आ रहा है। यार ये तो आते ही जा रहे हैं और इन्होंने तो आर्मी को मारना शुरू कर दिया। आखिर मैं करूँ क्या। अगर गाइस ऐसा ही चलता रहा तो इनमें से कोई नहीं बच पाएगा। हो सकता है इन सभी को बड़े रोबोट ने भेजा हो ताकि ये उसकी सुरक्षा करे। यार इसका आधा शरीर इंसान और आधा रोबोट का है। मेरे को तो ये इंसानी रोबोट लग रहे हैं। मेरे को जल्दी से इनको मारकर इनके सिर को अलग करना होगा। आखिरकार मैंने सबको मार डाला, अब सिर्फ इसको मारना बाकी है। इसको तो मैं टैंकर से उड़ा दूंगा। चलो इसकी पावर चेक करते हैं। ओहो, ऐसा करने में मजा आ रहा है। पर गाइस उस बड़े रोबोट को कोई भी असर नहीं हो रहा। देखो इतना मारने पर भी वो आराम से खड़ा हुआ है। इसके पैर पर भी मारने पर उसको कुछ नहीं हो रहा। मेरे को कुछ और सोचना होगा। ओ भाई साहब, उसने तो और सेना गिरा दी। मैं इतनों का सामना नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ से भागना होगा। यार इनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है। शायद ये एक दूसरे से बाहर निकल रहे हैं। चलो जल्दी यहाँ से कूद कर हम हाईवे से होकर भाग जाते हैं। अब मैं आराम से बच जाऊंगा। यार ये कार कहाँ से आ गई और वो रोबोट भी आ गए। मेरे को इनको मारना होगा, पर कार ने मेरे को मार डाला। चलो यहाँ से कूद कर हाईवे के दूसरी तरफ चलते हैं। पर गाइस इन बाइकर्स ने मेरे को अपनी एक बाइक दे दी। अब मौसम को क्या हुआ, अचानक से बारिश क्यों शुरू हो गई और गाइस सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो गए। मेरे को इनसे बचना होगा, ये तो गिरते ही जा रहे हैं। हो सकता है वो बड़ा रोबोट पत्थर को मेरे ऊपर फेंक रहा हो। ऐसे तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। मेरे को रोबोट के पास जाकर उसको खत्म करना ही होगा, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश कर लूं वो मेरे को भागने नहीं देगा। अबे मौसम तो वापस बदल गया। देखो बारिश होना बंद हो गई और आसमान में सूरज निकल आया। हो सकता है रोबोट शहर छोड़कर शायद यहाँ से दूर चला गया। अबे यार ये तो यही खड़ा है और ये तो चुंबक के जैसे मेरे को अपनी ओर खींच रहा है। मेरे को कुछ ऐसा करना होगा जिससे कोई बड़ा धमाका हो, शायद ये आइडिया काम कर जाए। मेरे को कार को तेज दौड़ाकर कार में से जंप करके उसको रोबोट से टकराना होगा। ओहो, अबे नहीं ना यार, उस रोबोट को तो कुछ नहीं हुआ। चलो गन मशीन की मदद से मैं उसके पैरों को तोड़ देता हूँ ताकि बिना पैरों के वो नीचे गिरकर मर जाए। पर गाइस इतना मारने के बावजूद उसको कुछ नहीं हुआ। देखो वो बड़े आराम से हवा में उड़ रहा है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, क्यों ना चोपर में बैठ कर मैं उसको गोलियों से भून दूं। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैं उसका सामना करने जा रहा हूँ। चलो यहाँ पर रुक कर हम उसको गोलियों से मारते हैं। पर गाइस इतना मारने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पता नहीं इसका शरीर किस कवच से बना हुआ है। अब मेरे को कूद कर वहाँ जाना होगा, शायद मैं ज्यादा दूर कूद गया। कमोन कमोन कमोन, धत तेरी की, मैंने उसको मिस कर दिया। अब मेरे को वापस से उसके ऊपर जाने की कोशिश करना होगा। इस बार मैं जरूर उसके ऊपर जाकर रहूंगा, बस मैं आराम से लैंड हो जाऊं। I'm dying. चलो वापस ट्राई करते हैं। कमोन कमोन कमोन। ओ भाई साहब, मैं तो सच में यहाँ पर पहुँच गया। पर गाइस इस रोबोट को तो शैतानी चिंपेंजी कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे को इनको खत्म करना होगा। हो सकता है ये एलियन हो जो रोबोट लेकर यहाँ आ गए। और यार इनके पास तो देखो अजीब सा अंडा भी है। पर पहले उनको मार कर मैं इस जगह को सुरक्षित कर लूं। पर मेरे को समझ नहीं आ रहा इस रोबोट को रोकना कैसे, यहाँ तो और भी चिंपेंजी है। चलो इनके सर्वर को तबाह करके मैं इस रोबोट को क्रेश करवा देता हूँ, शायद कुछ हो जाए। मेरे को थोड़ा और ऊपर जाकर रोबोट के एंटीने को तबाह करना होगा। अबे ओए ओए ओए,
अब मेरे को वापस से उस एंटीने तक पहुंचना होगा। अच्छा हुआ मैं ज्यादा नीचे नहीं गिरा, नहीं तो ऊपर आना मुश्किल हो जाता। अब मेरे को बिना देरी किए इस टावर को उड़ाना होगा। अगर मेरा प्लान कामयाब हो गया तो ये रोबोट खत्म हो जाएगा। चलो भाई यहाँ से भागने का समय आ गया, पर उसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। ओ माई गॉड, उसके शरीर के तो चीतरे उड़ गए, पर ये मेरे को क्या हुआ? मेरा पैराशूट कैसे गायब हो गया? शायद बड़े धमाके की वजह से मेरा पैराशूट जल गया। पर गाइस जो भी हो, आखिरकार मैंने रोबोट को मार डाला। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।